पहले मैं यही काम करता था। सबसे पहले पड़पड़गंज के अच्छी किस्मत वाले सभी मतदाताओं को मैं यहां पहुंचने पर क्योंकि ऐसा एमएलए, ऐसा शिक्षा मंत्री जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती हो, जिसको क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री कहा जाता हो, वो आपका एमएलए है, इसलिए आप किस्मत वाले हो। पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय बद्री विशाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और आदाब। दोस्तों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। बातें भी आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, आपके रोजगार से जुड़ी हुई हैं, आपके इलाज से जुड़ी हुई हैं। कोई बातें आप किसी चाय की रेड़ी पर खड़े होकर भी करते हो, कहीं पे भी इकट्ठे होते हो, शादी में, ब्याह में, कहीं किसी फंक्शन पर, सोशल फंक्शन पर, वहाँ पे आप भी वही बातें करते हो। बातें भी कोई पराई नहीं है, बेगानी नहीं है कि मेरे देश का क्या बनेगा और मेरे परिवार का क्या बनेगा। अगर देश का बनेगा तो परिवार का भी बनेगा, अगर देश का नहीं बनेगा तो परिवार देश का हिस्सा है। सब कुछ, अगर आग किसी के घर पे लगी है उसको ये मत समझना कि ये लोहड़ी है। घर पे आग को बुझाने के लिए पानी की बाल्टी आपके घर से उधर जानी चाहिए कि आग बुझनी चाहिए। एक तरफ विकास की राजनीति पर बात हो रही है, दिल्ली के लोग इस बार वोट दे रहे हैं मनीष सिसोदिया शिक्षा को, दिल्ली के लोग इस बार वोट दे रहे हैं मोहल्ला क्लीनिकों को, दिल्ली के लोग इस बार वोट दे रहे हैं बिजली और पानी बिल्कुल मुफ्त है उसको वोट दे रहे हैं, दिल्ली के लोग दे रहे हैं वोट सीसीटीवी कैमरों को, दिल्ली के लोग वोट दे रहे हैं बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को, दिल्ली के लोग वोट दे रहे हैं महिलाओं के लिए डीटीसी की फ्री जो यात्रा है उसकी सुविधा को। दिल्ली के वोटर जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, जैसे मनीष भाई ने कहा, ये लोग मारो के नारों को वोट नहीं देंगे। मारो सारों को, हम कहते हैं देश के बेरोजगारों को नौकरी दे दो सारों को, ये फर्क है बस। ये तो सिर्फ ध्रुवीकरण कर रहे हैं, भाई को आपस में भाई से लड़ाते हैं। भाई दिल्ली ने बहुत काले दिन देखे हुए हैं, अब हम और लड़ना नहीं चाहते, हम विकास पर बात करेंगे। पड़पड़गंज वालों, आप लोगों का नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, तैयारी कर लो, क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाएगा आज से 20 साल 30 साल बाद सिलेबस में, भारत के सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के लोगों ने धर्म, जाति, नफरत और पोलराइजेशन की राजनीति छोड़कर विकास कार्यों पर वोट देना कब, उसका सही आंसर होगा 8 फरवरी 2020 में दिल्ली से शुरू हुआ था। आपका नाम सुनहरी अक्षरों में आने वाला है, आपके पास इतिहास रचने का मौका है। अगर 70-0 भी हो जाए आम आदमी पार्टी के पक्ष में, हैरान मत होना। ये लोग अहंकार की राजनीति करते हैं। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने नारा नहीं दिया कि अब की बार इतनी बार, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली से अब की बार तड़ी पार। सच्ची बात है ना, समझ में आ रही है ना, ये अहंकार की। आप कभी अमित शाह को चलते हुए देखना टीवी पर, एक ऑल पार्टी मीटिंग में मेरी तरफ ऐसे ऐसे आ रहे थे, मैंने कहा जी कबड्डी खेलनी है आराम से आओ, इसीलिए मेरे से थोड़ा
जब मैं बोलता हूँ बीजेपी वाले हेडफोन लगा लेते हैं, पता नहीं क्या कहेगा ये। और मैं कोई भी ढील बरतता नहीं हूं इनको बोलने के लिए। ये आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों को विधानसभा की सीढ़ियों तक ले गई, जो किसी वकील को, किसी पत्रकार को, किसी छोटे से कार्यकर्ता को भी एमएलए बना दिया गया पंजाब में भी। और मेरे जैसे कलाकार ने कभी देखते रहते होंगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में मैं बीजेपी वालों की आंख में आंख डालकर पूछूंगा, बताइए जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। इनके अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, वो तो भूल जाइए। मैंने कहा अगर लोगों के नहीं आएंगे रहने में आपके भी नहीं दूंगा फिर। इनके अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, लेकिन मुझे इतना पता है 8 फरवरी को जब आप झाड़ू का बटन दबाओगे, 11 फरवरी को जब 12-1 बजे तक नतीजा आ जाएगा, तो पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि बीजेपी वाले अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ गए। सच्चे दिन की राजनीति, राजनीति के सच्चे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों इन पर यकीन मत करना, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसने दिल्ली को अपने परिवार की तरह 5 साल देखभाल की, उनके दुख में शरीक हुए, शिरकत की, शामिल हुए, उसको ये आतंकवादी बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कोई आतंकवादी स्कूलों की शिक्षा अच्छी करता है? कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है? कोई आतंकवादी बिजली पानी मुफ्त देता है? कोई आतंकवादी सीसीटीवी कैमरे लगवाता है कि मैं भी पकड़ा जाऊं? कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान या किसी पुलिस वाले की शहादत पर 1 करोड़ रुपया देने घर पे आता है? तो फिर आतंकवादी कैसे भाई? 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर इनको ये बता देना कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, आतंकवादी नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं। पाबंदियां इनके नेताओं पर क्यों लग रही है भाई? किसी पर 96 घंटे की, किसी पर 72 घंटे की, किसी पर 48 घंटे की, क्योंकि आपने जिम्मा दिया था कि ये देश संभाले, लेकिन ये जवान नहीं संभाल रहे। ये बात होगी ना, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये मुर्गे वाला ताज लेके घूम रहे हैं, बोलते चलते जाते, बोलते रहो हमें क्या, बोलते रहो, बोलने दो। ये अमित शाह, अनुराग वर्मा और नहीं अमित शाह प्रवेश वर्मा और अनुराग, इन तीनों का एक ही राग, शहीन बाग, शहीन बाग। जब से चुनाव शुरू हुआ शहीन बाग जैसे बस का कंडक्टर आवाज नहीं लगाता, इसे कर दे यार। भाई कानून आप ही लेके आए हो भाई, उसका विरोध हो रहा, उनसे बात करो, हमारा कैलेंडर है इसमें। तो ये देश को तोड़ने की राजनीति है भाई साहब, ये देश को तोड़ने की राजनीति है। ये अमित शाह बिल लेके आए थे। अमित शाह जी जब रैलियां होती हैं पूरे देश में तो जोर जोर से कहते हैं, गर्व से कहो तुम भारतीय हो, और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं साबित करो तुम भारतीय हो। हट दे यार कहां से आए अभी हम? और अडवाणी जी की एनआरसी ले आओ, कराची में पैदा हुए थे। मुझे लगता है कहीं अडवाणी को शरणार्थी डिक्लेयर करने के लिए कानून ना बना दिया होगा इन्होंने, क्योंकि उसको जलालत की हद झेलनी पड़ रही है। और गोली मारो के नारे लगवा के अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, जिनकी वजह से जीडीपी जो है ऑल टाइम लो है और बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, वो गोली मारे कुनार लगवा के 2 दिन के बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। मैंने कहा राजघाट समाधि पर मत चले जाना, मुझे लगता है गांधी जी की भी हिंसा की कसम टूट जाएगी, इतने दुखी हैं आपसे लोग। उनके हाथ में लाठी है, इतने दुखी हैं वो इनसे। सो दोस्तों भले ही आप मेरी
भाषण की सब बातें भूल जाना, लेकिन जो बात आप कहने वाला हूँ वो मत भूलना। 8 फरवरी को जब वोट डालने जाओगे, आराम से थोड़ा टाइम लेके उस मशीन को गौर से देखना। हर बटन के सामने एक वो बटन ना तो हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही कमल के फूल का है, वो ना तीर कमान का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। बटन दबाने से पहले बच्चों को याद कर लेना, अगर किसी धर्म जाति के नाम पर किसी लालच वश में आकर गलत बटन दबा रहे हो तो समझो अपने बच्चों की किस्मत को 5 साल के लिए गिरवी रखने वाला बटन दबाए। और अगर अपने दिल से आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में, आपके बुजुर्गों की चिकित्सा के बारे में, आपके नौजवानों की रोजगार के बारे में सोचने वालों का बटन दबाओगे तो 1 नंबर बटन है, 1 नंबर पर ही आना है। झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो बच्चों की किस्मत चमका के आओगी, ये बात जरूर याद रख लेना। तो मैं जगह जगह जा रहा, ये अहंकार कर रहा, बहुत अहंकार है इनकी चाल में, बोली में भी। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी 2014 में, भाषण दिया पहला लोकसभा में, उसमें थोड़ा अहंकार था कि क्या था, वो बोले कांग्रेस तो 44 सीटों तक ही सिमट गई, कांग्रेस वाले तो चाहे एक मिनी बस में बैठकर भी लोकसभा आ सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं होगा। मैं भी बैठा था वहां, मैंने कहा कोई बात नहीं, नीली छतरी वाला करेगा कुछ ना कुछ तो। अब उनको पता नहीं था कि 1 साल बाद फरवरी 2015 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी 67, बीजेपी 3, कांग्रेस 0, तो अगले संसद चल रही थी। भाई जवाब देना तो बनता है बीजेपी वालों को। मैंने कहा बीजेपी वालों, आपके विधायक भले ही स्कूटर पे आ जाएंगे गुस्सा हम भी नहीं करेंगे। 3 दिन ट्रिपल राइडिंग उनको अलाउ कर देते और क्या। एक दिन एक फोटो छपी अखबार में, उस दिन एक आया नहीं था, इनमें से 2 रह गए, वॉकआउट कर गए, तो दोनों बाहर बैठे, 2 आदमियों की फोटो छपी हुई और अखबार पर लिखा दिल्ली का पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। मैंने कहा इतने तो हमारे बीमार ही रहते हैं, किसी को बुखार रहता है, कोई वैसे नहीं आता। तो दोस्तों अगर 70-0 हो गया तो मैं मनीष जी को बोल रहा था, फिर तो 2 मुख्यमंत्री बना सकते 35-35 पर, 1 मुख्यमंत्री दिल्ली अर्बन, 1 मुख्यमंत्री दिल्ली रूरल। मैं मेहरौली गया, मैं द्वारका गया, मैं छतरपुर गया, मैं बवाना गया, मैं रिठाला गया, मैं बादली गया, मैं रोहिणी गया, मैं आदर्श नगर गया, मैं राजेंद्र नगर गया, मैं हरिनगर गया, मैं तिलक नगर गया, मैं पटेल नगर गया, मैं रजौरी गार्डन गया, मैं ओखला गया, मैं बाबरपुर गया, और जमुना पार में कृष्णा नगर गया, मैं लक्ष्मी नगर गया, मैं उस शाहदरा गया, मैं अभी अंबेडकर नगर गया, आज मैं इधर अपना जो अपना आतशी वाला कालका जी गया, मैं संगम बिहार गया, इतनी दिल्ली तो आप भी नहीं जानते होंगे। मैं जहां भी गया लोगों ने मेरे कान में एक ही बात कही कि अब जहां भी जाओगे ये बोलते ना इनका, अब स्कूटर भी गया। अपने आप ही नारे बनाते हैं लोग, कैसी विडंबना, दिल्ली में पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिल नहीं आते, ये फर्क हो गया जी। केजरीवाल हीरो, भाजपा जीरो। सो दोस्तों जितना आपको बिजली का बिल आता है उतनी सीटें आएंगी बस। 72,000 को तो बिजली का जीरो आता है, 72% लोगों को। सो दोस्तों ये आपकी कृपा है, आपकी किस्मत है कि आप लोगों ने एक ऐसे पेड़ को जड़ें मजबूत कर दी, जो ईमानदारी के पत्ते जिस पेड़ पर लगते हैं ईमानदारी का फल लगता है। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे पंजाब से प्रचार करने के लिए कांग्रेस में। अच्छा कांग्रेस है यहाँ, यहाँ भी नहीं है यार,
तो मैं सेहत मंत्री के यहाँ शकूर बस्ती नहीं गया सिंदर जैन। मैंने कहा आपको तो पता होगा, आपको अस्पतालों में जाते रहते हैं, कांग्रेस कहाँ है? कहते हाँ जी वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस की हालत तो 80-85 साल की तरह हो गई, जिसको डॉक्टर जवाब देते हैं कि घर में जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। सेवा चल रही है, पूछा मैं से पानी बुलाया जाता है, आखिरी दर्शन चल रहे हैं। कैसी विडंबना है, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर है वहां का एमएलए केजरीवाल है, नई दिल्ली। मैंने कहा अगर डोर टू डोर करना हो सोनिया गांधी के घर की पहलवी में जा सकते हैं कि वोट हमें ही देना, उधर खराब हो जाएगी। सही है ना? वो कह भी देगी हाँ आपको दूंगी, उधर क्या करूंगी, कह भी सकती। सो दोस्तों, देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का ना कोई एमएलए है ना एमपी है। देखो कैसी लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और वहां जाके अहंकार करें लोग बड़े उतारे हैं लोगों ने बड़े बड़े। तो मैं जब सीए पे बोल रहा था, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपके इतने बड़े बिल का मैं 4 लाइनों में इसका जो निष्कर्ष निकाल दूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत तरह तरह के फूल हैं इस गुलदस्ते में, एक ही रंग का फूल हो तो गुलदस्ता नहीं बनता। फूल तरह तरह के, हर फूल की अपना रंग अपनी सुगंध, जैसे आप पड़पड़गंज में रहते हो सब लोग इकट्ठे रहते हो, तो दरिया है ये देश हमारा। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, 10 साल से सोनिया की चिड़िया रहा है। तो आजकल नफरत की जो राजनीति है ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफी खतरनाक है। मतलब हमारे उप मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, मुख्यमंत्री साहब के साथ उनको 9-9 दिन धरना देना पड़ रहा है एलजी के यहाँ, वो अपने लिए थोड़ी, आप लोगों के काम करवाने के लिए फाइल पर साइन कर दो, और फिर कहते हैं कुछ कहते हैं। अच्छा कहते हैं जी सड़कों में तो कोई हाथ ही नहीं है इनका, ये तो एमसीडी की है, जहां टूटी हुई सड़क आई देखिए देखो जी केजरीवाल की सड़क है। तो इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ बदनाम करने का, झूठ बोलने का है, और दिल्ली के लोग इन बातों में नहीं आएंगे। आपसे शुरू होगा काम, देश की राजनीति बदलेगी आप लोगों से, दिल्ली से, जब काम पे वोट पड़ेंगे। पहला आदमी है, पहला राजनेता है, पहला मुख्यमंत्री है आजादी के बाद 70 सालों में अरविंद केजरीवाल, जिसने 5 साल बाद लोगों के सामने बोल दिया अगर मेरे काम अच्छे लगते हैं वोट दे देना, अगर नहीं अच्छे लगते तो नहीं। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, ये बात कहने के लिए हौसला चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ये बात वही आदमी कह सकता है जिसका दिल सच्चा है और नीयत अच्छी है, जिसको पता है नहीं तो इनकी योजना ही नहीं खत्म होती। एक मौका और दे दो जी, छठी 5 साल योजना आएगी, 7वीं 5 साल, पता नहीं कितनी 5 साल योजनाएं चली गई, अब आगे करेंगे। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, मैंने कहा 15 अगस्त को जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो भाषण देता है लाल किले में, बुलेट प्रूफ शीशे में खड़े होकर हमें अपनी सुरक्षा के बारे में बता रहा होता है कि कैसे करनी है। मैं जब से होश संभाला मैं भाषण सुनता हूँ सुबह सुबह, वही भाषण चल रहा है भाई, भाषण नहीं बदला। अफसर भाषण लिख के देते हैं वो पढ़ देते हैं, क्या होता है 15 अगस्त के भाषण में? गरीबी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त, और कहते हैं अपने अपने घर जाओ, ये था 15 अगस्त। मैंने कहा मेरे देश के वारिसों अब तो लाल भाषण याद हो गए होंगे, अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते कम से कम भाषण तो बदल लो। क्यों बदले भाई, ऐसी बारी आ जाती है 5 साल बाद, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब नहीं आएगी बारी, अब तीसरा आ गया है मैदान में, अब इनकी बारियां टूटेंगी, अब तीसरा आ गया मैदान में। ये चक्की के दो पार्ट है, पार्ट बोलते हैं ना पंजाबी में, पोर्ट बोलते हैं,
चक्की के दो पार्ट हैं, जो नीचे का पार्ट होता है वो घूमता नहीं है, ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और जो गेहूं होता है, जो दाने जिसने पिसना होता है, वो बीच में होता है। तो कांग्रेस का जो पार्ट है वो 6 साल से नीचे है, खड़ा है, घूमने का बीजेपी वाला चल रहा है, हम लोग दाने हैं पिसने वाले, जनता पिस रही है, GST की चक्की में, नोटबंदी की चक्की में, महंगाई की चक्की में, गरीबी की चक्की में, बेरोजगारी की चक्की, पिसती पिसती है 5 साल बाद जनता सोचती है बहुत जालिम चक्की है, चक्की पलट देंगे, चक्की पलट देते, कांग्रेस वाला शुरू होता है। हम तो बीच में रहे, हमें क्या फर्क पड़ा, जनता को चक्की का पार्ट बदल गया, हम तो बीच में रहे। लेकिन उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस परदार ने, उस वाहिगुरु ने एक 5 फुट 5 इंच का एक बंदा भेज दिया और उसके हाथ में झाड़ू थमा दिया कि चक्की के दोनों पार्टों में से दाने निकाल ले झाड़ू से। अब दाने निकल गए, दोनों पार्ट पत्थर के हैं, एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, आग ही निकलती है, फिर आग निकल रही है, आग निकल रही है इस झाड़ू से। वैसे तो हमारा चुनाव नहीं ऐसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती है कहाँ पड़ा है। आप पीछे वाले खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती है कहाँ पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, सुबह वाली सफाई इधर से पकड़ के करनी पड़ती है, शाम वाली सफाई उधर से पकड़ के होती है, बहुत ही सफाई है। कुछ लोग तो बहुत ही हंस रहे, तजर्बा लगता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। 2020 में दिल्ली हमारी है और 2022 में पंजाब की बारी है, पंजाब को भी बचाना है। बहुत ड्रग हो गया वहां पे, बहुत जो हमारे युवा लड़के लड़कियां आईलेट्स करके, उनके माता पिता भी कहते हैं बेटा भाग जाओ यहाँ से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाजों के जहाज भर के जा रहे हैं, भाग रहे हैं हम धरती छोड़कर, गुरु नानक देव जी की धरती छोड़कर, भगत सिंह की धरती छोड़कर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, इतने शहीदों की धरती छोड़कर हम भाग रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इतना पंजाब में लूट मचाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, मैंने कहा किस मुंह से आएंगे, क्या कहेंगे ये कि कांग्रेस को वोट दो दिल्ली में, हम पंजाब की तरह दिल्ली में भी 10.5 रुपए यूनिट बिजली कर देंगे, ये कहेंगे क्या कि कांग्रेस को वोट दो पंजाब की तरह 950 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और टीचरों की हर 15 दिन के बाद पिटाई करेंगे, ये कहेंगे क्या। तो 3 दिन का प्रोग्राम था, वो 1 दिन का प्रोग्राम करके जब दिल्ली वालों ने सवाल पूछे आगे से, तो फिर 2 दिन का कैंसिल करके वापस चले गए, क्योंकि पंजाब वाले आ गए वापस, पीछे ही आ गए हमारे कार्यकर्ता, कहते पंजाब में तो नहीं मिलता, दिल्ली में तो मिल ले, पंजाब में तो घर से नहीं निकलते, वो 3.5 साल हो गए, निकलते भी हैं तो हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, मैदानी इलाकों की तरफ नहीं आते वो। और बादल साहब हैं बड़े बादल, देखिए मनीष भाई, हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट की एज है, पंजाब सरकार अपने मुलाजमों को 58 साल की उम्र में रिटायर करती है, सेंट्रल सरकार 60 साल की उम्र में कर देती है, ये नेताओं की कोई रिटायरमेंट की उम्र ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। अब बादल साहब बड़े बाद 93 साल के हो गए हैं, 4 आदमी इधर से पकड़ते हैं, 4 इधर से स्टेज पर लेके आते हैं, आते ही कहते हैं एक मौका और दीजिए सेवा करूंगा। मैंने कहा तेरा सेवा करवाने का टाइम है बाबा, बस कर, नए लड़कों को कुछ करने दे, तेरी उम्र के पंजाब में पेड़ भी सूखे, बस कर, पिपल दिया पत्तिया वे का भी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने, रुत नवया दी आई है, नए पत्ते आएंगे, अब पत चढ़ने वो चढ़ गए, पुराने पत्ते गिर गए, अब नए पत्ते आएंगे ग्रीन हरे रंग के। तो दोस्तों पैसे तो देखो हमारे पास है नहीं भाई, मेरे तो तलाशी ले लो, अगर 100 रुपया निकला है 50-50 कर लेंगे भाई, पैसे वैसे वाला काम, देखो पैसे कमाने होते तो भाई
मनीष भाई बहुत बड़े पत्रकार थे, आज किसी चैनल के हेड होते, पैसे कमाने होते तो मैं फिल्मों से, टीवी से, लफ्टर चैलेंज, लफ्टर चैंपियन, ये वो विदेशों में शो पर करोड़ों रुपए मैं भी कमा सकता था। हालांकि मैं व्यंग करता था नेताओं पर ही। अरविंद जी ने कहा कि भगवान जी सिर्फ कैसेट सीडी और शो में नेताओं की धज्जियां या मजाक उड़ाने से बात नहीं बनेगी, अगर गटर को साफ करना है तो गटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो संगरूर से मुझे टिकट मिली, पंजाब में सबसे ज्यादा मतों से 2014 में जीत के आया और 1.25 लाख मतों से इस बार जीत के आया हूँ। और लोकसभा में आप देखते रहते हो, जब भी मैं लोकसभा जाता हूँ मैं नेता बनकर नहीं जाता हूँ, मैं जनता बनकर जाता हूँ। जो गुस्सा आपके दिल में सिस्टम के प्रति वही मैं निकालता हूँ, इसीलिए आपको लगता है यार हमारे जैसा बोलता है, मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा लड़ने वाला मैं ही हूँ वहाँ पे। अब इनको पता चल गया बीजेपी वालों कि पीली पगड़ी वाले को टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम दे देंगे तो 2-3 मिनट बोलकर बैठ जाता है, अगर नहीं देते 2-3 तो मिल जाता है। तो कई बार तो मुझे तमिलनाडु वाले भी कहते हैं भाई साहब थोड़ा लड़ाई करा के हमारी लड़ाई शुरू करवा देना। मैंने कहा मैं इस काम के लिए रखा हूं यहां। असल में अपने हकों को मांगना कोई लड़ाई नहीं कहते, अपने हक तो संघर्ष करके लेने पड़ते हैं। तो इनकी बातों में मत आना, कांग्रेस का तो आपको पता ही चल गया, और बीजेपी वाले जो हैं वो घूम तो रहे हैं वही बात है, लेकिन अंदर से इशारे जब रोड शो की थे तो मैं उसके बैठा था, छोटा हाथी वगैरह बनाया हुआ था उन्होंने, ऊपर बैठा था, झंडा तो बीजेपी का लगा हुआ था बड़ा, बहुत बड़ा कोठी पे, लेकिन उनके घर से इशारे ये आ रहे थे। उनका इसको और ऊंचा कर दो चाहे वोट दे। मुझे पता चला है ये गरीबों की बस्तियों में पैसे वैसे बांटेंगे, लूटा हुआ माल है भाई साहब इनके पास। अगर ये पैसे आपको देने आए मेरी हाथ जोड़कर बोलती है मना मत कर, लक्ष्मी नहीं वापस करते पैसे आपके हैं, इन्होंने कौन सा धान बेचा है, वो 15 लाख आ गया मोदी जी वाला है, आया नहीं, नीचे आप कह रहे थे आ गया, आया नहीं, हमारा भी नहीं आया भाई साहब, हमारे दुख सांझे हैं। अपने 15 लाख की बात, इनके 15 लाख की बात छोड़ो, जो 2-4 हजार हमारे घरों में नकदी पड़ी थी नोटबंदी करवा के वो भी ले गए। इन्होंने नोटबंदी की थी 8 फरवरी को, तुम इनकी वोटबंदी करो। तो अगर पैसे वैसे देने आए तो उनको कह देना कि हाँ, और 8 फरवरी को अंदर जाके कर देना कि हाँ, जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ है। बहुत समझदार वाक्य है मनीष भाई, इतना समझदार वाक्य है, सारे समझ गए। अब क्या करें, अगर ये धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, हम क्या करें करो। तो दोस्तों मैं यही कहने वाला था कि पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, लोग उनको कभी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर पैसे कमा कर इस दुनिया से चले जाते हैं, लोग उनको याद नहीं रखते, लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवाते हैं। और दिलों में खाते खुलवाने के लिए जल्दी जल्दी जनता पासपोर्ट पासवर्ड नहीं देती, इसके लिए त्याग करना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, घर छोड़ने पड़ते हैं, अनशन करने पड़ते हैं, थप्पड़ खाने पड़ते हैं, स्याही मुंह पर डलवानी पड़ती है, मिर्ची आंखों में डलवानी पड़ती है, तब जाके केजरीवाल की तरह दिलों में जगह मिलती है। इनको बोल देना कि भगवंत मान आए थे फटफटगंज में, वो यही कह के गए थे भ्रष्टाचारियों को कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ गरीबों की दुआएं जाएंगी साथ में। मनीष भाई, गोपाल राय जी, अरविंद केजरीवाल जी, सतेंद्र जैन जी, जनता के काम करके उनकी दुआएं ले रहे हैं,
इसीलिए जितना मर्जी इनका विरोध होता जाए, बाज उतना ही ऊंचा उड़ता है जितनी हवा उसके विरुद्ध होती है। तो दोस्तों, आज से कोई 15-18 साल पहले मैंने एक सीडी में एक कविता, एक व्यंग किया था इस नेताओं पर, आज जो बिल्कुल सही बैठता है। ये क्या करते हैं ना कांग्रेस बीजेपी वाले, यहां पर वादा कोई और करेंगे, अगली गली में जनसभा में उसी वादे के खिलाफ वादा करेंगे, शाम को कुछ और, दिन में कुछ और। इसी पे है, जंगल में जानवरों ने चुनाव कराने का फैसला कर लिया कि शेर अपने आप ही राजा बन जाता, जंगल का राजा इसको मानना था भाई, डेमोक्रेसी लेके आओ, यहां पे चुनाव होंगे, शेर भी लड़ ले, जो चुनाव जीत गया वो जंगल का राजा। अब जो इस कविता में कहीं भी भारत का नाम नहीं है, लेकिन जो सुनता है वो भारत से बाहर नहीं जा सकता। अब जंगल में क्या माहौल था, अच्छे लगे तो ताली बजा देना, जहां भी बात अच्छी लगी हौसला बढ़ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने, शेर जी बकरी के घर गए, जैसे वो हमेशा नहीं पर्चे बांट रहे थे, शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़ कर खड़ा है। शेर ने कहा जी शर्मिंदा मत करो, अब हम जंगल में एक दौर अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को भी समझा देना कि शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त में कंबल, कहीं कहीं इलेक्शन से पहले ठंड से मर ना जाए। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त में कंबल, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा, चूहों को भरोसा दिया गया कि चील नहीं रहेगी, वो उसको उठा के ले जाती है अपने पंजों में, चूहों को भरोसा दिया गया कि चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया कि चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। आप पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके रात को थोड़ा थके हुए शेर जी आते हैं घर पे, क्या कहते हैं, पूरा जंगल घेरनी क्या कर रही है मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी ने कहा शेर जी पति देव जी मेरा बाहर शहर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर ने कहा अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन इलेक्शन के बाद। सही होता है, खरगोश की तरह खाए जाते हैं, 5 साल हमें खरगोश की तरह खाते हैं, कभी कभी जीएसटी की पंजों से, कभी नोटबंदी के, कभी बजट आता है नेगेटिव, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, खरगोश तो हम ही है ना, हम आपको शेर नहीं, आम आदमी पार्टी आपको बब्बर शेर बनाने आई है, खरगोश आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की ताकत है, जिस आप लोग हमारे पंख हो, आप के सहारे उड़ रहे हैं, जिस दिन आपने पंख वापस ले लिए, कोई हरे रंग का पेन से साइन करता हूँ, कोई जो एमपी की ग्रांट आती है, कहीं स्कूल बनाना है, मैंने बहुत पैसे स्कूलों पे लाइब्रेरी पे इनके काम से प्रभावितों को लगाते हैं, उनको पता, लोगों को पता है कि ये गलियां नालियां बाद में बना लेंगे यार, ये गलियां नालियां क्या है, 70 साल से सरकार गली ऊंची कर देती है, घर नीचे हो जाते हैं, लोग घर ऊंचे हो जाते हैं गली नीचे, ऐसे 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 चलता है, पता नहीं कहाँ जाकर जाता होगा ये, कि बाद में कर लेंगे हम, पहले स्कूल कर लें, लाइब्रेरियाँ बना लें, अस्पताल बना लें, नौकरी रोजगार दे लें। जब भी कोई नेता इलेक्शन लड़ता है तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कार है, कितनी मेरे पास जमीन है, प्लॉट है, पत्नी के पास कितने गहने, सब कुछ लिख के देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, गलत नहीं दे सकते। तो 2012 में जब मैं इलेक्शन लड़ा, एक मनप्रीत बादल ने पार्टी बनाई थी पीपल्स पार्टी पंजाब, तब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, तो मैंने लिख के दे दिया सारा 2012 में, तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं लगा रहा। 2014 में 12 के एंड में पार्टी बन गई, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुला के कहा कि संगरूर से लड़ो,
तो 14 में जब मैंने प्रॉपर्टी का फॉर्म भरा तो 12 से काम हो गई, क्योंकि कमाने वाले काम पर तो ब्रेक लगा दी मैंने। 14 में जीत गया, 17 में मुझे कहा गया सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ना है विधानसभा जलालाबाद से। जब 17 का फॉर्म भरा तो भाई साहब 14 से काम हो गई, अब 19 का फॉर्म भरा तो 17 से काम हो गई। हमारी जीत कर भी कम हो रही है, इनकी हार कर भी कई गुना बढ़ जाती है, कहां से आते हैं ये? आपको जानकर ताज्जुब और हैरानी होगी, बादलों की बहू ने, हरसिमरत कौर ने, जो बादल साहब बड़े बादल साहब की बहू है और सुखबीर बादल की पत्नी है, बीजेपी वालों की मंत्री है सर, पार्टनर है, मंत्री है, और पहले 10 साल इन्होंने राज किया पंजाब में अकाली बीजेपी ने, उसने बठिंडा से इलेक्शन लड़ा 19 में। बाकी तो अरबों खरबों जो पंजाब को लूट कर बनाए हैं वो तो लिखे लिखे, सिर्फ सोने वाले कॉलम में कि सोना कितना है, कितना लिखा, मैंने लिखा, उसने लिखा, यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, कोई दिल की मरीज तो नहीं था, मैं बताने वाला हूँ। हरसिमरत कौर ने लिखा मेरे पास 23.5 किलो लिखा है ये, अभी जो और बाकी है वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ से आया सोना, हमारा ही सोना है ये, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खाते हैं तब सोना बनता है, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों के हिस्से के रोजगार की कमाई खाते हैं तब सोना बनता है, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खाते हैं तब सोना बनता है, सड़कें खाते हैं, अस्पताल खाते हैं तब सोना बनता है। तो दोस्तों ये फर्क देख लेना आप, फर्क आपको पता चल जाएगा। और आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल इसके जर्नैल हैं, और उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं पंजाब में, हम विपक्ष में हैं, पहली बार लड़े और पहली बार विपक्ष में। आम आदमी पार्टी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन इंडिया, सिर्फ 7 साल की पार्टी है, एक राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, दूसरे राज्य में विपक्ष है, 3 हमारे राज्यसभा में, 1 लोकसभा में, इतना पहले किसी पार्टी का इतिहास उठा के देख लो नहीं है किसी का। ये कह रहे हैं ना झाड़ू पीला पीला हो गया, मैंने कहा झाड़ू में से 2-4 पीले निकल जाए वो तो सफाई करता रहता है, हाथ पंजे की एक उंगली इधर उधर कर दो वो पता नहीं क्या बन जाता है, कमल के फूल की 2 पत्तियां तोड़ दो पता नहीं क्या हो जाता है, कमल का फूल उगता कहाँ है, कीचड़ में, कीचड़ की सफाई कौन करता है, आप झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो कमल उगेगा ही नहीं। 2 नारे लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसके बाद जंगपुरा जाना है, 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर आप उठाकर वो नारे का जवाब देना है, क्योंकि ये शहीदों के नारे हैं इंकलाब के, जब आप नारे लगाओगे आवाज गूंजेगी आसमान में तो शहीदों की आत्मा को सुकून मिलेगा, हैं पड़पड़गंज की गलियों में अभी जिन्होंने हमारा इंकलाब का दिया बुझने नहीं दिया, और इस दिए में, इस ईमानदार राजनीति और इंकलाब के दिए में भले ही हमें तेल की जगह खून देना पड़े लेकिन इस दिए को बुझने नहीं देंगे, उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। और जो बीजेपी वाली और कांग्रेस वाली यहाँ गलियों में आत्माएं भटकती फिर रही हैं उनको झंझनाहट होगी, ये क्या हो रहा है यार 8:30 बजे दिल्ली में, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर आवाज देनी है इंकलाब, थोड़ा सा और कर दो जमुना पार इनके घर है, इनकी खिड़कियों पे शीशे कांपे ऐसे, इनकलाब सोना, अच्छे बीते 5 साल, अच्छे होंगे 5 साल, अच्छे होंगे 5 साल। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। सारे नु सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, नमस्कार, और इस माता जी के, सरस्वती माता जी के आशीर्वाद से जो भी आपने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।